4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी को लेकर देहरादून में अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में डीजीपी अशोक कुमार मौजूद हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, रेलवे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर, अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस मीटिंग का मकसद कांवड़ यात्रा के दौरान आपसी समन्वय को स्थापित करना है, जिससे कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए या फिर चले। देखिए, 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मीटिंग को लेकर अपडेट लेते हैं। विनोद मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। विनोद, कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू हो जाएगी, किस तरीके से इसका संचालन करना है, अलग अलग राज्यों के साथ में समन्वय किस तरीके से स्थापित करना है, इसी को लेकर ये मीटिंग हो रही है वहां पर? की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग की सुबह 11 बजे से ये मीटिंग चल रही है, जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, ऐसे राज्यों के जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, अभी बैठक चल ही रही है। और जिस तरीके से 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा का संचालन प्रारंभ हो जाएगा, उसमें किस तरीके की व्यवस्था रहनी है, बाहरी राज्यों का क्या सहयोग होना है, डाक कांवड़ पर प्रतिबंध लगना है या उनको प्रतिबंध नहीं लगना है, और किस तरीके के जो एक हुड़दंग पर किस तरीके की बंदिशें पुलिस की रहती है, आपसी राज्यों से जो एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, उसको लेकर आज ये मंथन चल रहा है। अभी पुलिस हेडक्वार्टर में ये मीटिंग चल रही है। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, किशरण सभागार में तमाम अलग अलग राज्यों के तमाम प्रतिनिधि यानी पुलिस के अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली रेलवे और जम्मू कश्मीर के साथ साथ में अर्धसैनिक बलों के तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि एक बड़ी चुनौती कांवड़ यात्रा रहती है, करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसको लेकर किस तरीके की ड्यूटियाँ तमाम अधिकारी और कर्मचारियों की होगी, उसी के आधार पर ये महत्वपूर्ण बैठक अभी देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही है। डीजीपी अशोक कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि जो बड़े ही प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, खासकर जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और किस तरह से जो आपसी राज्यों के साथ में पुलिस एक दूसरे राज्य के साथ में कोऑर्डिनेशन करती है, एक राज्य के साथ में किस तरह से समन्वय बैठाना होगा, जैसे हमने पहले जिक्र किया, एक बड़ी चुनौती कांवड़ यात्रा देखने रहती है, क्योंकि उसमें करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। इसके अलावा फिर डाक कांवड़ के जरिए उसको पूर्ण रूप से, जैसे पिछले सालों के दौरान देखा कि डाक कांवड़ को प्रतिबंध कर दिया गया था, और कांवड़ियों के द्वारा जो हुड़दंग करने की स्थिति बनी रहती है उस पर किस तरीके से बंदी से रखनी है, उसको लेकर आज डीजीपी अशोक कुमार ये बैठक ले रहे हैं। 4 जुलाई से उत्तराखंड में ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, उससे ठीक पहले हरिद्वार हो या फिर ऋषिकेश हो, किस तरीके से कांवड़ यात्रा को का संचालन शुरू करना है, उसको लेकर आज तमाम राज्यों के पुलिस अधिकारी, आईबी अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ में, आप बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ में डीजीपी अशोक कुमार जो है वो मंथन कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बैठे, इसी पर ये चर्चा लगातार वहां पर हो रही है। 11 बजे से बैठक की शुरुआत हुई, आप बता रहे हैं कि बैठक अब भी वहां पर चल रही है। शुक्रिया आपका विनोद, पूरी जानकारी। उत्तरकाशी के पुरोला में धारा 144 लागू की गई है, जो कि 19 जून तक लागू रहेगी। डीएम का कहना है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुरोला में धारा 144 लागू, 19 जून तक। जनपद वासियों से यह अपील करना चाहूँगा कि जनपद में सौहार्दपूर्ण और प्रेम का, शांति का माहौल बनाने में सभी अपना सहयोग दें, और यदि कोई शरारती तत्व या अराजक तत्व उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो कृपया आप निकटतम जो पुलिस चौकी या थाना है वहाँ पर, या उप जिलाधिकारी कार्यालय या जिला अधिकारी कार्यालय में उसकी सूचना जरूर दें, ताकि हम उस पर तत्काल कार्रवाई कर सकें। लव जिहाद के मुद्दे पर संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरिद्वार के संतों का कहना है कि देवभूमि में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, और इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। लव जिहाद के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसी पर संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार से उन्होंने सख्त एक्शन की मांग की है। पूर्व काल में जो मुख्यमंत्री रहे उनको भी चेताया गया था कि पहाड़ में जो पलायन हो रहा है
और ये जो धर्मांतरण का मुद्दा बढ़ रहा है, आज वो स्थिति लव जिहाद पर आ गई है। नाबालिग कन्याओं को जिस प्रकार से वो लोग उठा करके ले जाते हैं और उसके बाद ये जो घटनाएं पुरोला में हुई हैं, इसका जनता के द्वारा विरोध किया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी परिस्थिति अगर बिगड़ रही है तो राज्य सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार में जिस प्रकार की स्थिति है, यहाँ धर्म जो दोनों धर्म के लोग रहते हैं, या एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।